हाय एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी गाइस। प्लीज लेट मी नो वन थिंग कि क्या मैं आप सभी को ऑडिबल एंड विजिबल हूँ। ऑल राइट, दिस इज नेहा रहेजा इज हेयर, सोनम श्रीनिवास इज हेयर, सुहाना इज ऑल्सो हेयर, प्रीति सिंह, ओके, शिखा। सो जितनी लगातार रेगुलर जो बच्चियाँ हैं, सारी की सारी अटेंटिव हैं, मुझे एक बार जोर के स्वर में ही बताना कि क्या मैं तुम सभी को ऑडिबल एंड विजिबल हूँ। चलो बढ़िया बात है, आ जाओ। सो गाइज, सबसे पहले जो तुम्हें अपडेट है वो देनी है अनअकैडमी प्लस पे जो नए आपके बैच कोर्सेज आ रहे हैं वो है 23rd of June, राइट। चलो इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। देखना गाइज, यहाँ से प्राइस हाइक का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है अनअकैडमी की ओर से। सो तुम में से जो जो छात्रा अनअकैडमी पे जुड़ के प्रॉपर तैयारी करना चाहता है, 24/7 पढ़ना चाहता है, तो गाइज अब जुड़ जाओ, मेहनत कर लो और सब कुछ सेट करके लेट्स क्रैक इट करो, राइट गाइज। चलो तो ये तो थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब शुरू होता है तुम्हारा धमाकेदार सेशन जिसका तुम लोग बेसब्री से इंतजार करते हो। जी हाँ गाइज, आप शुरू करने वाले हैं आपका द बेस्ट एंड द मोस्ट फेवरेट सेशन, महामैराथन शो ऑफ एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। चलो तो देखो गाइज, सबसे पहला प्रश्न क्या है तुम्हारी स्क्रीन पर, क्या लिखा हुआ है, सोचो समझो और बनाओ फटाफट। जितने लोग बैठे हुए हो, जिन जिन को क्लास अच्छी लग रही है, एक एक हमें इंप्रेशन देते चलना, ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ जी आप लोग इंजॉय कर रहे हो इस सेशन को। फटाफट चलो आओ, तो देखते हैं। लिखा है, द टाटा ग्रुप ओन्स मैनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं, दिस इज दीपक कुमार, सोनम श्रीनिवास, सुहाना, गुड इवनिंग सुहाना, नेहा रहेजा, ये सब ऐसी बच्चियां हैं। नेहा रहेजा गाइज, ये बच्ची यूट्यूब में मुझसे सबसे पहली बार मिली, फिर इन्होंने अनअकैडमी में मेरी फ्री क्लासेस देखी और उसके बाद अभी क्या है, ये मेरे साथ जुड़ी हुई है बिल्कुल प्रॉपर मैनर में, कहाँ पर, प्लस क्लासेस में भी, राइट। तो तुम लोग भी जुड़ो, मेहनत करो और इस बार SSC आ रही है, पार करो, राइट। आ जाओ, दिस इज प्रीति, पुष्प, शिखा, चलो दीपक फटाफट बताओ। अरे वाह देव, तुम भी आ गए, आओ क्या होगा यहाँ पर, सभी लोग सोचो समझो बनाओ फटाफट। यस, चलो तो देखो मैं बता देती हूँ गाइस आप लोगों को उसे कैसे बनाना है। जो टाटा ग्रुप वो है वो ओन्स करता है बहुत सारी सी इंडस्ट्रीज को, आगे देखते हैं आगे कैसे करोगे इसको। हाँ जी, दोज आर सेपरेटेड, ठीक है गाइस, यहाँ पे दिस इज ऑल राइट, पैसिव में बनाना है ना, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, पैसिव बनाते हैं। इधर क्या है, स्प्रेड, तो स्प्रेड का क्या हो जाएगा, हाँ जी स्प्रेड का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सभी लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएंगे, जो स्प्रेड लिखा हुआ है इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, जल्दी 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 फटाफट। यस, स्प्रेडेड, राइट। तो ये जाएगा जो टाटा ग्रुप है जो ओन करता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, दोज आर स्प्रेडेड अक्रॉस द ग्लोब, ये पूरे के पूरे ग्लोब में हर जगह मौजूद हैं, फैली हुई हैं, ऐसी बात हो रही है, ठीक है। तो इसे लगा देना था, नंबर अपने को मिल जाता, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। शी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट, इसका देखते हैं क्या बनाने वाले हो। जैसे सुहाना, बहुत बढ़िया सुहाना, अच्छा कर रही हो। दीपक, सोनम श्रीनिवास, दिस इज पुष्प, शिखा, आदित्य, राइट, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको लगाते हैं बनाते हैं। देखो हैज नॉट बीन लिखा हुआ है, राइट, हैज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मच लेट के प्लेस पे लेटली का प्रयोग आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, लेटली का मतलब होता है कोई भी चीज जो रिसेंटली हुई है ना, नॉट लॉन्ग एगो, राइट। और कभी भी कोई भी चीज अगर रिसेंटली करके कोई सेंटेंस तुम्हें दिख जाया करे, उसकी पहचान मैंने जब अनअकैडमी में तुम लोगों को टेंसेस पढ़ाए थे ना, तब बताया था, इसको हमेशा हम लोग प्रेजेंट का जो परफेक्ट फॉर्म होता है उसमें लिखते हैं। देखो कोई भी चीज अभी हाल फिलहाल में चुका है, चुकी है, चुके हैं, जान रहे हो, अभी हाल फिलहाल में मैं खाना खा चुका हूँ, राइट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये मीनिंग निकलता है। इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है ना, लेटली, लेटली मतलब रिसेंटली, हाल ही में, राइट, हाँ जी। तो इसका क्या कर दोगे, यहाँ पे जो गलती है वो आपके थर्ड ऑप्शन या सी ऑप्शन में है, ठीक है, हाँ जी। पहले वाले में गलती कहाँ पे थी, सेकेंड ऑप्शन में, दूसरे वाले में जो गलती है वो कहाँ पर है, वो है आपके थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ तक सभी का क्लियर है, फटाफट बताना एक बार जल्दी से फटाफट।
चलो बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर मैं मूव ऑन करूंगी। हाँ जी यस। ही कुड एक्सेल इन हिज बोर्ड एग्जामिनेशंस ओनली आफ्टर डैश 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 वेरी हार्ड। अब देखना जरा इसका क्या करोगे, ध्यान से सोचो समझो और बनाओ। हाँ जी ध्यान से सोचो समझो और बनाओ। चलो तो देखो क्या लिखा हुआ है गाइस। ही कुड एक्सेल, वो अच्छा कर सकता है, बढ़िया परफॉर्म कर सकता है अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में, ओनली आफ्टर, यदि वो क्या करे, वेरी हार्ड टॉयलिंग करे। टॉयलिंग क्या होता है ना गाइस, कठिन परिश्रम करना, ठीक है, वर्क हार्ड करना, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ही कुड एक्सेल इन हिज बोर्ड एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड। कंटिन्यूइंग केवल कंटिन्यू करने से नहीं होगा, फंक्शनिंग यहाँ पे कोई मशीन नहीं है, लर्निंग करने से नहीं होगा, टॉयलिंग वेरी हार्ड, यहाँ पे वेरी हार्ड जो लिखा हुआ था उसके साथ में कठिन परिश्रम, वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, है ना। एक होता है बहुत नॉर्मल मैनर में तैयारी करना, एक होता है एक्सट्रीमली हार्ड मैनर में तैयारी करना, तो उसके लिए टॉयलिंग, कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम के द्वारा कोई भी व्यक्ति अच्छे नंबर ला सकते हैं, ऐसा सेंटेंस में बोला जा रहा था। फोर्थ ऑप्शन या डी ऑप्शन आप लगा दोगे, नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ही डैश 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 ऑन द टेबल, इसका क्या जाएगा, फटाफट लगाना जरा, सभी को लगाना है, बनाना है, जरा देखो। जैसे ही हो जाए मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताती हूँ उसमें। ये देखो एक ऐसा वर्ब का कंसेप्ट मैं यहाँ पे तुम्हें बताने जा रही हूँ गाइस, जो सीबीएसई आईसीएसई यूपी बोर्ड सभी को कंफ्यूजन होती है इसमें, ठीक है। ये मैंने अनअकैडमी पे अपनी क्लासेस में करवाया हुआ है, चाहे वो मेरी फ्री क्लासेस देख लो या प्लस क्लासेस। देखो क्या होता है, तीन लाई होते हैं, LIE, राइट, तीन लाई होते हैं, इनमें से कौन सा वाला लाई तुमने यूज करना है अभी मैं बताती हूँ। आज देखो लाई लाइड लाइट, ये क्या होता है, ये झूठ बोलना होता है ना, कोई आपसे झूठ बोले वो होता है झूठ बोलना, ठीक है। दूसरा देखो लाई ले लेन, इसका मतलब होता है लेटना, क्या लेटना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और आता है, दिस इज ले लेड लेड, ये होता है रखना, ठीक है। हाँ जी हेन हेन वगैरह जो मुर्गी वगैरह ले एग्स करती है, वो भी अंडे देती है, रखती है, ठीक है। हाँ जी तो कोई भी चीज़ अगर रखी जा रही है रखने के लिए, कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर। हाँ जी जी हाँ आदित्य, दिस इज गौरव सिंह इज ऑल्सो हेयर, है ना। यहाँ पे रहमान जी भी आ चुके हैं, मोनिका कुमारी भी आ चुकी हैं, सागर मंडल भी आ चुके हैं, देव, ये गाइस ऐसे बालक बालिकाएं हैं, चाहे मैं शिखा की बात करूँ, चाहे देव कुमार की बात करूँ, चाहे नेहा रेजा की बात करूँ, ऐसे बालक बालिकाएं हैं जो अपने यूट्यूब से जुड़े और उसके बाद मेरी फ्री क्लासेस में आने लगे, और फ्री क्लासेस के बाद आज ये लोग अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो गाइस आप में से जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, तो कुछ नहीं करना है गाइस आपको, मेरी अनअकैडमी पे 1 बजे और रात के 10 बजे फ्री क्लासेस चलती हैं। इन फ्री क्लासेस में बैठो, मेहनत करो, और आपको इंग्लिश में पूरे मार्क्स मिलना शुरू हो जाएंगे मॉक टेस्ट में। आओ तो ही के साथ में ही लेड हिज कैमरा ऑन द टेबल, उसने कैमरे को कहाँ पर रखा, मेज पर रखा, रखने के लिए देखो सारी चीजें बताई हैं मैंने, ले लेड लेड रखना, राइट, लेन नहीं होगा, लेन तो लेटना होता है, वो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, अपने को वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेना था तो होगा नहीं। ये देखो नेक्स्ट जो ले सेकेंड फॉर्म हो रहा है किसका, लाई ले लेन वाले में हटाओ, तो झूठ बोलना है नहीं, तीनों ऑप्शन हटाओ। ये जो मैंने लिखा है ना बोर्ड पे, या फिर जो तुम्हारा व्हाइट बोर्ड है, अभी जो तुम्हारी स्क्रीन है व्हाइट वाली, इसको कहीं पे नोट डाउन करते चलो, ठीक है, क्योंकि एसएससी बार बार प्रश्नों को रिपीट करता है। ऑल राइट चलिए आइए, मोनोटोनस 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 का मतलब देखते हैं क्या होगा गाइस। कोई भी चीज़ जो मोनोटोनस सी है ना, वो बहुत ही ज्यादा, मैं बात करूँ नीरस, कोई स्पीच तुम सुनने गए, ठीक है, रिपब्लिक डे और कहीं पे भी बहुत पहले भी स्पीच दी जाती थी, राइट, वो बहुत देर तक तो तुम सुनते रहे, उसके बाद क्या हुआ, तुमने बोला ये चीज़ बहुत मोनोटोनस लग रही है, यानी बहुत ही नीरस लग रही है, डल लग रही है, ठीक है, अनइंटरेस्टिंग लग रही है, ठीक है। हाँ जी तो बस कोई चीज बोरिंग डल अनइंटरेस्टिंग उसको बोलते हैं। अच्छा इसका उठाना क्या था तुमको, सिमिलर वर्ड, कौन सा ऑप्शन होगा चांस, ये एसएससी एस्पिरेंट्स।
एसएससी एस्पिरेंट इज आस्किंग कि मैम दिस टाइम बेटा आज से डेली यूट्यूब में मैं तुम्हें 8 बजे मिलूंगी। एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी। इसके अलावा मैं तुम्हें सीएचएसएल का पेपर कराती हूँ डेली 1 बजे अनअकैडमी पे, ठीक है। एसएससी के जो और एग्जामिनेशन है ना, स्टेनो का पेपर कराती हूँ डेली रात के 10 बजे, ठीक है। तो जिन पेपर में बैठना है अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस होती हैं, बैठो मेहनत करो आ जाओ। देखो मोनोटोनस मतलब नीरस होता है ना, डल मतलब भी नीरस है, टिमिड टिमिड मतलब होता है डरपोक, अनफ्रेंडली मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा मैं बात करूँ आपसे मित्रता नहीं निभा रहा है, ठीक है, आप पे बिल्कुल भावी नहीं दे रहा है ना। अडाव लस्टी, लस्टी एक नेगेटिव शब्द होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो सेक्शुअल डिजायर से रिलेटेड है ना, बहुत ज्यादा मैं बात करूँ लस्टफुल है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी है, उसको कहते हैं। ये ऑप्शन हटाओ, ये ऑप्शन हटाओ, तो बचा एक ही ऑप्शन मोनोटोनस का, पहला ऑप्शन या ए ऑप्शन। गाइस इस सेशन को आपको अगर अच्छा लग रहा है, अगर मजा आ रही है, तो अपने मित्र अपने फ्रेंड सबको शेयर कर दो। ये सागर भी आ चुके हैं, दिस इज प्रीति कुमारी जी भी आ गई हैं, है ना, मोनिका एसएससी एस्पिरेंट आनंद कुमार मैम अपना नंबर दे दो। ऑलराइट चलो। सो बेटा आप लोग जो जो बच्चे मेरे से इंटरेक्ट करना चाहते हैं अनअकैडमी पर आइए, फ्री क्लासेस होती हैं 1 बजे और रात के 10 बजे, उसमें आपको सब कुछ मिलता है पढ़ने को भी और इन्फॉर्मेशन भी, ठीक है। आओ एल्यूसिव, एल्यूसिव का मतलब क्या होता है सोचो समझो और बनाओ। एल्यूजन जानते हो, उसी से दिमाग लगाना तो जरा, बनाना तो। हाँ जी यस, अभिजीत कुमार, हाँ जी। टिमिड, टिमिड मतलब होता है बेटा कोई भी व्यक्ति जो डरपोक होता है ना, उसको आसानी से तुम डरा पाओ, है ना, इजली जो फ्राइटेंड हो जाते हैं लोग उन्हें कहते हैं। गौरव सिंह क्लियर है ना, टिमिड मतलब डरपोक होता है, ठीक है। अनीश कृष्णदेव रॉय, हाय नमस्ते मैम, नमस्कार जी नमस्कार। चलो अरे वाह रानी केशरी तुम भी आ गई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, चलो आओ फटाफट लगाओ। इलेजिव मतलब जानती हो ना, तुम लोग तो बड़ी पुरानी बच्ची आओ, यूट्यूब पे मैं देखती हूँ रेगुलर, तुम लोग वेट करती हो अपने सेशन का। आज वो शुभ दिन आ चुका है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं फिर से तुम्हारे सामने यूट्यूब पे मौजूद हूँ। इलेजिव का मतलब होता है मायावी, ठीक है। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो फाइंड करने में, कैच करने में, अचीव करने में, उसे बोलते हैं वो चीज कैसी है, वो मायावी टाइप की है, ठीक है। आओ देखते हैं इसका क्या होगा। सबसे पहला बैफलिंग, बैफलिंग इज समथिंग रिलेटेड टू कोई भी चीज जो तुम्हारे लिए कैसी सी है, बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, राइट, परप्लेक्स टाइप की, कंफ्यूज टाइप की, कोई चीज बहुत ही ज्यादा तुम्हें परेशान कर रही है, तो वो मायावी टाइप की चीज होगी, राइट। इंटाइज मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा मोह लेने वाली, है ना, अट्रैक्ट करने वाली। कुछ कुछ चीजें तुम्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, क्यों, चॉकलेट है ना। आ जाओ, तो क्या होती है, कोई भी चीज टेम्प्ट करती है तुमको, बहुत ज्यादा एल्योर करती है, आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, दैट इज इंटाइसिंग वाली थिंग, राइट। डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन करने वाली, कोई चीज जो तुम्हें निर्देश करे, राइट, हटाओ इधर से। सूदिंग, सूदिंग मतलब कोई चीज, जैसे कुछ लोगों की आवाज बहुत सूदिंग होती है, बड़ी सुखदाई होती है, सूदिंग मतलब सुखदायक, राइट। तो बस गाइस यहाँ से ये तीनों ऑप्शन हटाइए, पहला ऑप्शन या ए ऑप्शन जो है ना, केवल वही जा रहा है तुम्हारा नेगेटिव में, एग्जाम में, एसएससी में। तुम्हें क्या करना है ना, ऑड वन आउट कर लेना, क्या कर लेना, ऑड वन आउट, यानी आपको जो भी शब्द, देखो ये भी पॉजिटिव था, डायरेक्शन मिलना ये भी पॉजिटिव था, सूदिंग भी पॉजिटिव है, केवल एक ऑप्शन था जिसमें परप्लेक्स होना, कंफ्यूज होना, परेशान होने से रिलेटेड बात हो रही थी, लगा देते नंबर मिल जाते, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज कॉलोसल, चलो कॉलोसल देखते हैं कॉलोसल का कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। ओके दीक्षा गुप्ता इज ऑल्सो हियर, ऑड वन आउट रेक शाम्भवी मैम का पनेशिया है। ऑल राइट, ये देख रहे हो गाइस, दीक्षा गुप्ता हमारी रेगुलर स्टूडेंट जो अनअकैडमी पे और हर जगह मेरे से लगातार पढ़ती है। देखो कैसे ये बच्चे बताते हैं कि भाई मैम के जो ट्रिक्स हैं वो कितने काम कर रहे हैं, राइट। तो आप लोगों को सबको समझना चाहिए कि ये बच्चे एकदम सत्य बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ये मेरे से डेली अनअकैडमी पे पढ़ते हैं। अगर तुम लोग भी ऐसे ही इस बार देखो एग्जाम अगर निकालना है, एसएससी अगर क्लियर करना है, तो डेली 1 बजे और रात के 10 बजे बैठो। इसके अलावा अगर तुम्हें अनअकैडमी ज्वाइन करना है, तो दिस इज द कोड जिसके बेसिस पे आप मेरे अंडर गाइडेंस में आ सकते हैं, ठीक है। आइए कॉलोसल, कॉलोसल मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही ह्यूज है,
बहुत विशाल है, बहुत ही मैसिव है, राइट? मैसिव होना, बहुत विशाल होना, दैत्याकार होना, है ना? आ जाओ देखते हैं इसका क्या करोगे। इपिक, इपिक मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूँ लॉन्ग टाइप की पोयम, महाकाव्य जानते हो ना, वो होते हैं इपिक। क्या होते हैं? महाकाव्य टाइप के। हटा दो रस्ट, रस्ट इज समथिंग जंग से रिलेटेड, बोलते ना रस्टिंग स्टार्ट हो गई है, जंग लगना शुरू हो गया है, हटाओ। वास्ट मतलब विशाल, केवल एक ही ऑप्शन है। टीन, टीनेजर्स, टीनी, इसका मतलब होता है नन्हा, ठीक है? टिनी, देख रहे हो, ये कोई चीज जो बहुत ही टिनी सी है, राइट? बहुत छोटी सी है ना, नन्ही सी है, नन्ही सी, इसके लिए लगा दोगे नंबर मिल जाएगा, ठीक है? कॉलोसल मतलब ह्यूज, विशाल, विशाल का अपोजिट क्या हो जाएगा? नन्हा या नन्ही, ठीक है? क्लियर है एवरीवन? चलो एक बहुत बढ़िया सा शब्द तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहा है। जी मैम, ओके। पल्लवी शर्मा इज ऑल्सो हेयर, सुहाना इज हेयर, नेहा रहेजा इज हेयर, प्रीति सिंह, दीक्षा गुप्ता, गौरव, सारी रेगुलर बच्चियां मुझे स्क्रीन पे दिख रही हैं इस टाइम पे। बहुत अच्छी चीज है, चलो देखते हैं फिर कैसे करने वाले हो इस चीज को तुम लोग। ये शब्द पल्लवी शर्मा तुम लोगों ने, दीक्षा गुप्ता तुम लोगों ने बेटा नहीं देखा होगा, राइट? आ जाइए। ऑलराइट, चलो इसको देखना। अप्रोब्रियम, यही फायदा है। पल्लवी, दीक्षा, नेहा, सुहाना, इसलिए मैं कह रही थी कि YouTube वाली क्लास में जरूर मौजूद रहना, क्योंकि ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, राइट? बहुत बढ़िया गौरव, दैट्स ग्रेट, रानी केसरी। चलो आप देखो गाइस, अप्रोब्रियम मतलब होता है अब्यूज करना, किसी को डिसग्रेस करना, उसका अपमान करना, ठीक है? अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं, आप उसको बिलिटिल कर रहे हो, उसे डिस्पैरेज कर रहे हो, डिस्पैरेज, उसकी निंदा कर रहे हो, उसे बिलिटिल कर रहे हो, है ना, उसको नीचा दिखा रहे हो, तो बस ध्यान रखना, अप्रोब्रियम मतलब होता है किसी का अपमान करना, उसे अब्यूज करना, उसके साथ गाली गलौज करना, उसे हार्श क्रिटिसिज्म देना, है ना, उसके लिए क्या देते हैं? आओ देखो अभी क्या होगा, इसका अपोजिट उठाना था। तो एडुलेशन, एडुलेशन मतलब किसी की प्रशंसा करना, किसी की चापलूसी करना, ठीक है? हीरो वर्शिपिंग करना, उसे एक्सेस एडमायर अगर किसी को कर रहे हो, है ना, उसको पूज रहे हो, उसकी प्रेस कर रहे हो, तो उसके लिए एडुलेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इग्नोमिनी, इग्नोमिनी मतलब बदनामी होता है, ठीक है? अगर डीप पर्सनल ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है, ठीक है, डिसग्रेस किया जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग सेकेंड ऑप्शन, यानी ये निगेटिव शब्द है, हटाओ यहाँ से। फिर है मिस्टिकल, मिस्ट्री इज समथिंग रहस्यमय, ठीक है? तो रहस्यमय का भी कोई बात नहीं है यहाँ पे, हटा दो। नेक्स्ट है प्रिक्लूड, प्रिक्लूड मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, किसी भी चीज को अगर तुम इम्पॉसिबल बना रहे हो, है ना, उसे घटित होने से रोक रहे हो, तो उसे कहते हैं ये चीज प्रिक्लूड की जा रही है। क्लियर है सभी का? मैम एंटोनिम के लिए कैसे प्रिपेयर हूँ, आई मीन कोई सी बुक और ओके रहमान जी, रहमान जी मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी वो क्या आपके लिए जो बेस्ट बुक है, वो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी, लेकिन सेशन के अंत में, राइट? पहले मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद में डेफिनेटली आप लोगों को सब कुछ ब्रीफ करूंगी। चलो अब पहले इसको, अप्रोब्रियम क्लियर है सबसे पहले, ये बताओ ये चीज क्लियर है? आओ चलो नेक्स्ट देखो, एगोग, एगोग क्या है? ऑल एगोग का मतलब क्या होगा? ध्यान देखना, कोई भी चीज फुल ऑफ इंटेंस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट या एक्साइटमेंट है, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे, कोई भी चीज अगर फुल ऑफ पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है? यस, एक ही ऑप्शन था, अमेज्ड होना, क्या होना? देखो एगॉग का मतलब ही होता है, अगर इतने टर्म को भी उठाओगे ना, इसका मतलब होता है ये एज एन एग्जेक्टिव आता है, कोई भी चीज जो फुल ऑफ है इंटेंस इंटरेस्ट, राइट? या इसी को बोल सकते हैं एक्साइटमेंट, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे, कोई चीज जो फुल ऑफ इंटरेस्ट है, एक्साइटमेंट है, उसका अवॉइड करना, तो मतलब किसी को इग्नोर कर देना, हटाओ यहाँ से, ये नहीं होगा। कॉन्टेंटमेंट मतलब संतोष होता है, तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की बात नहीं है, राइट? हटा दो इधर। नेक्स्ट है यस, अभी देखो तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट था, राइट? तो बस फटाफट यहाँ पे अमेज्ड, आश्चर्यचकित होना लगा दो। अनसिस्टमेटिकली, अनसिस्टमेटिकली मतलब होता है नॉट मार्क्ड, है ना, कोई भी चीज मेथड या ऑर्डर प्रोसीजर अगर प्रॉपरली नहीं मार्क्ड है ना, सिस्टमेटिक नहीं है,
तो उसके लिए अनसिस्टमैटिकली का प्रयोग कर देते हैं, तो बस आपको फटाफट ही ऑप्शन हटा देने हैं, थर्ड ऑप्शन या सी ऑप्शन लगा देना है, नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यस, ऑल राइट, अनीश कृष्णा, और योर वॉइस इज सो मोटिवेशनल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज, दैट इज वाई अनीश, यू नो दैट इज वाई स्टूडेंट्स यूज टू ज्वाइन माई सेशंस, हमेशा बच्चा जुड़ता है। मैं यूट्यूब पे जितने सेशंस लेती हूँ, अभी मैंने जितने नाम बताया ना आपको, नेहा रहेजा, नेहा बताना बेटा आप अनअकैडमी पे कैसे आई, नेहा रहेजा मेरी यूट्यूब पे क्लास ले रही थी, इसके बाद मैंने जब बताया ना 1 बजे और रात के 10 बजे मैं क्लासेस लेती हूँ, नेहा रहेजा इस क्लास से यहाँ पर आई और इसके बाद इन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया और आज ये अनअकैडमी प्लस पर बढ़िया तरीके से अपने कोड का प्रयोग करके पढ़ाई कर रही है। तो गाइज अगर तुम लोग भी अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो, एक ही स्टूडेंट नहीं है ऐसे ही शालिनी गौतम, ये सारी बच्चियां यूट्यूब से गई मेरी फ्री क्लासेस में जो 1 बजे और रात के 10 बजे होती हैं, आप लोग भी बैठो बढ़िया से तैयारी करो। यस यस, ये देखो नेहा रहेजा का कमेंट भी आया है कि मैम आपके YT सेशन से मैं गई हूँ, राइट, रानी केसरी जी भी अपनी वहां पर आ चुकी है, प्रांजल मिश्रा, राइट, प्रांजल, प्रांजल टिनी और टीनी दोनों ही अब याद रखो, TEENY, अभी तक जो चीजें नहीं सुनी वही तो तुम्हें सिखाना है, वही तो मुझे बताना है। टीनी जो है ना TEENY, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है और दिस इज इक्वल्स टू टिनी, छोटा, स्मॉल, है ना, हाँ जी ध्यान रखिएगा। अभी आओ इसको देखते हैं, नॉट टू मीन्स मैटर्स, इसका मतलब क्या है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी थोड़े दिन पहले मैंने मीन्स करना तुम्हें बताया था, पता है SSC ने मीन्स एक बार पहले भी पूछा है, तब उसने एक चार ऑप्शंस थे उसमें बोला गया था अगर मीट को प्रॉपरली चॉप्ड किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, कीमा बनाना क्या कहते हैं, राइट, अभी क्या कह रहा है मैटर को आपको मीन्स नहीं करना है, राइट, इसका मतलब क्या है, बोलते हैं ना टू स्पीक अबाउट समथिंग वेरी क्लियरली डायरेक्टली, है ना, बोलते हैं भाई अभी ना चीजें तुम बिल्कुल ज्यादा मिक्स मत करो, जो भी है ना एकदम डायरेक्ट मैनर पे बोलो, ठीक है, मीन्स मतलब होता है कीमा बनाना, मतलब चॉप कर देना, तो जो भी मुद्दे हैं उनको आप मीन्स मत करिए, मिक्स मत करिए, जो कहना है स्पीक आउट करिए पोलाइटली या फिर स्पीक आउट करिए वेरी ब्लेंटली या डायरेक्टली, राइट, क्लियर है सभी को एवरीथिंग, चलो बढ़िया बात है, यस, मुझे इंग्लिश आपसे ही सीखनी है मैम, बिल्कुल अनीश, अनीश आप बिल्कुल सीखेंगे, जैसे ये बच्चियां जुड़ी हैं, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया नेहा रहेजा आपकी क्लास में ही बैठी हुई है, राइट, इसके अलावा बहुत सी बच्ची जैसे चांदनी कुमारी भी आज आ गई है, ये बहुत बहुत पुराने टाइम से यूट्यूब पे मेरी अटेंटिव स्टूडेंट है, इसके अलावा मैंने देखा है जैसे शिखा जी हैं, गौरव, आपको मुद्दों को मिक्स नहीं करना है, अगर आप मिक्स नहीं कर रहे हो, मिला नहीं रहे हो, यानी आप स्पीक आउट कर रहे हो पोलाइटली, स्पीक आउट कर रहे हो डायरेक्टली, तो ध्यान रखिएगा स्पीक आउट पोलाइटली, स्पीक आउट डायरेक्टली या स्पीक आउट ब्लंटली, राइट, ब्लंटली, ये सारे स्पष्ट रूप से बोलने की बात हो रही है, लगा दो नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आलो आ जाओ, द डॉक्टर हैज, ये कंसेप्ट मैंने आपको अनअकैडमी प्लस पर बहुत अच्छे से करवाया है, आशा करती हूँ तुम लोग इसको बहुत अच्छे से टिक भी करोगे, अरे वाह अब्दुल कलाम जी आप भी आ गए, वाह दैट्स ग्रेट, राहुल जी, राहुल तिवारी जी बहुत बढ़िया, ऑल राइट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ऑल राइट, हाँ जी, तो देखते हैं गाइस इसको कैसे करेंगे, द डॉक्टर हैज एडवाइस जो लिखा हुआ है, आपको मैं एक बात बता दूं गाइस, देखो एडवाइस ADVICE है ना ये, और एक होता है ADVISE, इन दोनों में डिफरेंस पता है आपको, ये देखो मैंने आपको नाउन टॉपिक जब पढ़ाया था तब भी एक्सप्लेन किया था, उसके बाद मैंने वर्ब में भी ये पढ़ाया आपको, अभी मैं फिर से पढ़ा रही हूँ, ध्यान से देखना, ये कुछ तुम्हारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, इधर देखो एडवाइस ये वाला जो लिखा है ना ये नाउन है, बेटा अपने को हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या चाहिए होता है, वर्ब का ईडी फॉर्म, हैज के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, सबसे पहली बात एडवाइस ये जो है ना सलाह देना, और ये केवल सलाह होता है, ठीक है, हाँ जी, अगर तुमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा हुआ है तो तुमको पता है नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो यहाँ पे नाउन और वर्ब को डिफ्रेंशिएट करना था, ठीक है, क्लियर है, ऐसे ही प्रैक्टिस प्रैक्टाइज भी होता है, प्रैक्टिस PRACTICE वाला नाउन होता है, प्रैक्टाइज मतलब वर्ब होता है,
ठीक है। हाँ जी, तो आई सी यानी नाउन, आई एस सी यानी वर्ब। तो यहाँ पे कौन सा वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म जाएगा? जो डॉक्टर है ना, दिस हैज एडवाइज्ड हिम टू टेक प्रॉपर डाइट। केवल इतना करना था, पहला ऑप्शन या ए ऑप्शन आप लगा देते, नंबर आपको मिल जाता। राइट, रानी केशरी जी, दिस इज गौरव, दिस इज चांदनी, दिस इज सुहाना, वाओ, दिस इज रियली राहुल जी, यू आर रियली डूइंग ग्रेट, बहुत बढ़िया, आप सबने सही किया है, वाओ अमेजिंग, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, वाओ दैट्स रियली अमेजिंग। तो चलो देखते हैं, समझ में आ गया ना? परफेक्ट में हैज और हैव के साथ में अपन लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये लगा दिया, नंबर मिल जाएंगे, है ना? मैम वो क्या बहुत वीक हो गई है, कोई टेंशन नहीं है, एक काम करो ना, अनीश अनीश, मेरी जो 1 बजे वाली फ्री क्लास है ना, और रात के 10 बजे वाली, अभी तुम रात के 10 बजे मुझे मिलना, मजा आ जाएगा रियली गाइज, आपको एक्चुअली पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसे तैयारी की जाती है। राइट, आ जाओ इसको देखते हैं। बींग आ प्रेजेंटिव नेम, वी वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हाईवे, इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? हाँ जी, मैंने आपको अनअकैडमी पे गाइज जब थ्योरी पढ़ाई थी पेड क्लासेस में बताया था। देखो गाइज, यहाँ पे तुम्हें एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देना होगा, इस क्लॉज के लिए आपको एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देना होगा, अदरवाइज अगर तुम ये वाला कोई और सब्जेक्ट नहीं दोगे तो वी ही इसका क्या करेगा, सब्जेक्ट का काम करने लगेगा, जो गलत है। राइट, तो इस क्लॉज के लिए आपको क्या करना है ना, इट बींग अ प्लीजेंट इवनिंग या बहुत ही सुनहरी शाम थी, वी वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, और इसलिए हम लोग हाईवे पे लॉन्ग ड्राइव के लिए गए। राइट, तो बस यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट देना था, और इट कहाँ दिख रहा है? यस यस एब्सोल्युटली राइट, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट डिफरेंट है, इसलिए हमें यहाँ पे इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देना है। अब्दुल कलाम जी, दिस इज सागर मंडल, राहुल जी, दिस इज रानी केशरी जी, दिस इज वैष्णव, अनीश, रियली गाइज आप सब अच्छा कर रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन आप सबने सही किया। और सोचिए आप एसएससी के प्रश्न पत्र कर रहे हो, एसएससी सीजीएल का पेपर यहाँ हल कर रहे हो, और तभी भी क्वेश्चन सही बन रहे हैं, प्राउड ऑफ यू गाइस, प्राउड ऑफ यू। चलिए आइए, आ जाओ, अब देखो कह रहे हैं एक राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, इसको क्या करोगे? हाँ जी जय, यस एब्सोल्युटली राइट, जय एब्सोल्युटली राइट, चलो इसको लगाओ। बाकी जितने लोग क्लास में बैठे हुए हो ना, फटाफट थंब इम्प्रेशन दे दे चलना। देखो गाइस, कभी भी कोई व्यक्ति सीधे बात ना करके ना, अगर घुमा फिरा कर बात करे, राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग हो अगर किसी का, कोई व्यक्ति घुमा फिरा कर अगर बात करता है, सुहाना जी, हाँ बिल्कुल, मैंने इन अकेडमी पे पढ़ाया है। राइट, आ जाओ तो देखते हैं इसको क्या करेंगे। सेंटीपीड, सेंटीपीड मतलब होता है खनखजूरा, जान रहे हो? कोई भी कीड़ा जिसके बहुत सारे से पैर होते हैं ना, उसको बोलते हैं जैसे खन खजूरा, खन खजूरा, जानते होगे उसके बहुत सारे से पैर होते हैं, एक प्रकार का आपका इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है ना? सेंटी मतलब 100, पीड मतलब पैर, 100 पैर वाला कीड़ा खन खजूरा कहलाता है। ठीक है सुहाना एंड एवरीवन, चलो आओ, रानी केशरी, नेहा प्रजापति, चांदनी कुमारी भी है हमारी भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ देखो, सरकम लोकेशन, देखो लोकेशन है समथिंग रिलेटेड टू, कुछ बोलने से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है सरकम, चारों तरफ की बात कोई व्यक्ति कर रहा है, सीधे मुद्दे की बात ना कर कर अगर राउंड अबाउट द बुश कर रहा है, ठीक है, राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग जो होता है उसको सरकम लोकेशन कह देते हैं, है ना? इसमें बहुत सारे से वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है किसी चीज को बोलने या बताने के लिए। राइट, तो चलो आओ नेक्स्ट है तुम्हारा, दिस इज क्वेश्चन, क्वेश्चन इज, ध्यान रखना कोई भी चीज अगर फोर्सफुली की जाए, है ना, अगर फोर्स, थ्रेट, कंपल्शन इसका प्रयोग किया जा रहा है, किसी को डरा धमका कर कोई काम किया जा रहा है, प्रेशराइज कर कर कोई काम किया जा रहा है, तो उसे कोअर्शन कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखो, दिस इज कॉन्सेंट्रेट, कौन मतलब टुगेदर, सेंट्रिक मतलब सेंटर होना, तो कोई भी जैसे सर्कल, आर्क्स, है ना, डिफरेंट शेप जो एक ही सेंटर से बनते हैं, उन्हें जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कह देते हो ना, संकेंद्री होते हैं वो लोग, एक ही सेंटर होता है उनका। राइट,
हाँ जी, बहुत बढ़िया अब्दुल जी. ओहो, उत्तम इज ऑल्सो हेयर. सो उत्तम, दस बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ये देखिए गाइस, उत्तम सोनी आज तक अन अकेडमी का रिकॉर्ड है. अन अकेडमी पर उत्तम सोनी लगातार मेहनत कर रहे हैं और काफी अच्छे से बढ़ते जा रहे हैं. तो ये मेरी क्लासेस के बहुत ही धुरंधर बच्चे हैं, बहुत रेगुलर बच्चे हैं, जिनसे मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है. गाइस, अगर तुम लोग भी जुड़ना चाहते हो, जैसे उत्तम है, नेहा रेजा है ना, ये सब जो पढ़ रहे हैं, तुम लोग भी जुड़ो, मेहनत करो. एक अनमैरिड जो वुमेन होती है ना, उसे क्या बोलोगे? चलो आओ. बाकी जो बच्चे अभी पूछ रहे थे ना, 1 बजे रात के 10 बजे मेरी फ्री क्लासेस होती है, अभी फ्री क्लास में बैठ के देखना, मजा आएगा. ठीक है? और जो टेलीग्राम की लिंक मांग रहे थे, t.me/शांभवी पांडे 5, शांभवी पांडे 5. ठीक है, क्लियर है? अरे वाह, अब्दुल, मलय पांडे, गौरव, अरे वाह भाई वाह, चांदनी, प्रिया पांडे, गौरव सिंह, दैट्स रियली अमेजिंग गाइस. चलो आ जाओ. मेसोजिस्ट, मेसोजिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु डेराइव सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम देयर ओन पेन और ह्यूमिलिएशन. कोई भी व्यक्ति जो पेन या ह्यूमिलिएशन के द्वारा ना अपनी सेक्सुअल जो ग्रेटिफिकेशन है उसे संतुष्ट करता है, उसे मेसोजिस्ट बोलते हैं. ठीक है? तो ये पर्सन बस केवल और केवल पेनफुल और टीडियस मैनर में खुद का सुख ढूंढता है. हटाओ, ये निगेटिव शब्द है, हटा दो यहाँ पे. हाँ, दिस इज सेप्टुजेनेरियन. ये क्या होते हैं? कोई भी व्यक्ति जो अपने 70 से 79 ईयर ओल्ड में चल रहा हो, है ना, जो अपनी 70वीं चल रहा हो, यानी 70 से 79 वाली एज ग्रुप में हो, उसे हम लोग सेप्टुजेनेरियन बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आओ, स्नाइपर. स्नाइपर तो निशानची होते हैं, तुमने देखा होगा, ये आपकी गन भी होती है. स्नाइपर कौन होता है? एक पर्सन जो शूट करता है, एक छिप कर, तुमने देखा होगा मूवीज वगैरह में, है ना, ऊपर छत पे बैठा रहता है, फिर छिप कर क्या करता है, किसी को एक्यूरेटली लॉन्ग रेंज पे टारगेट करता है, फिर एकदम से शूट करता है, वो होता है क्या स्नीपर, राइट? हड़ा जैसे फिर स्पिनस्टर. यस गाइस, जो कुंवारी लड़की होती है ना, ठीक है, कुंवारा बैचलर होता है, कुंवारी जो लड़की होती है उसे हम लोग स्पिनस्टर कहते हैं. और ये मैंने अनअकैडमी पे आपको करवाया था. जितने लोग बैठे हो, जो लोग क्लास को अच्छा सा समझ पा रहे हो, सभी को क्या करना है, एक एक थंब इम्प्रेशन देते चलना है. ठीक है, चलो आओ. स्पिनस्टर क्लियर है? कुंवारी. और यहाँ पे भी यही पूछा गया था, अगर अनमैरिड महिला है तो वो कुंवारी होगी, है ना. अनमैरिड अगर लड़का होता है तो वो बैचलर होता है, राइट? आ जाओ. एसएससी सीजीएल ने ये प्रश्न पूछा हुआ है, इनकरेक्टली स्पेल्ड शब्द उठाकर देना है, लगाना जरा. गौरव, गौरव जो आप अभी पूछ रहे हो ना, सेप्टुजेनेरियन, ये 70 वर्ष की अवस्था का जो मनुष्य होता है ना, अ पर्सन, ध्यान से देखो, आज हमें बता देती हूँ गाइस. हमारे एक बालक है, उसने पूछा, देखो मैंने लिखा है, अ पर्सन हु इज बिटवीन 70 एंड 79 ईयर्स ओल्ड. ठीक है गौरव, कोई भी व्यक्ति अगर 70 से 79 ईयर्स ओल्ड की एज ग्रुप में है, उसे सेप्टुजेनेरियन कहते हैं. ठीक है, क्लियर है? आइए इधर देखते हैं, एक इनकरेक्टली स्पेल्ड शब्द लिखा हुआ है. ओहो उत्तम, लगातार बच्चे हमारे आंसर कर रहे हैं, फटाफट आंसर करते रहो. हाँ जी, ऑटम. ऑटम मतलब पतझड़, ये एक प्रकार का मौसम होता है, तो उसको पतझड़ कहते हैं. एकदम सही है. डेस्परेट, डेस्परेट मतलब बहुत व्यक्ति का अगर किसी चीज को बहुत ही ज्यादा चाह रहा है, इन ग्रेट नीड ऑफ समथिंग है ना, बोलते हैं ना डेस्परेटली. अभी मैंने देखा था इस यूट्यूब के सेशन के पहले, एक बच्ची ने मैसेज डाला था कि मैम आई एम वेटिंग योर यूट्यूब सेशन डेस्परेटली, यानी वो बहुत ही एगर होकर, है ना, चाह रही है कि शाबो भी मैम की यूट्यूब क्लासेस कब होंगी, है ना, कब से मैं स्टार्ट करूंगी पढ़ना लिखना. तो वही वाला डेस्परेट वाला कॉन्सेप्ट वो है. रिसिप्ट, रिसिप्ट का एक स्लिप होता है, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है, राइट? स्पेलिंग लिखना तो दोस्त, RECEIPT. इन्होंने देखो एग्जामिनेशन में कितनी चालाकी से, IE में मैंने बहुत बार देखा है एग्जामिनर सफलिंग कर देता है. आपको दिमाग में रखना है, मोनिका, मलय, गुलू, रानी केशरी, पांडे, जितने बच्चे बालिका बालिका बालक हैं, सुहाना, बहुत बढ़िया. ट्रैफिक तो जानते ही हो, भीड़ होता है, रश होता है, जब बहुत सारे व्हीकल्स, ट्रक्स, कार्स फंस जाते हैं. हटाओ यहाँ से, स्क्वाड आओ, स्क्वाड आओ, स्क्वाड आओ. ये तीनों सही थे, केवल एक ऑप्शन गलत था. रिसिप्ट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है, लगा दो नंबर मिल जाएंगे, है ना. ठीक है, गवर्नमेंट, आपने देखा भी होगा कहीं पे, बैंक वगैरह में भी अगर मनी वगैरह ट्रांसफर करते हो तो एक रिसिप्ट देता है, कुछ खरीदते हो तो एक रिसिप्ट मिलती है, राइट? अरे बोलो हाँ या ना, मजा आ रही है नहीं आ रही है?
फटाफट गोली गिरफ्तार में मुझे बताना आपको इस सेशन में मजा आ रही है नहीं आ रही है, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी सभी लोग लिखो, तब तक यहाँ पे मैं बताती हूँ। हाँ जी ऑल राइट, जय कुमार प्रधान, ऑल राइट चलो बहुत बढ़िया। आकाशित सिंह की बहुत मजा आ रही है मैम, ऑल राइट यस मैम बहुत बढ़िया। ऑल राइट ऑल राइट चलो आप सुपर सेशन लग रहा है, बहुत बढ़िया। आओ देखते हैं कि करके मैं यहाँ पे बता देती हूँ, तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो सेंचुरी मतलब सदी होता है ना। हाँ जी सेंचुरी क्या है, एक 100 ईयर का जो आ जाओ आ 100 ईयर्स का जो टाइम होता है ना, इसे ही हम लोग सदी कहते हैं। फिनेंस, फिनेंस इज समथिंग रिलेटेड टू क्या, कोई भी चीज अगर फिनेंस से रिलेटेड है यानी कि ओके। हाँ जी सेंचुरी तो सही लिखा हुआ है, रिमेम्बर एक एक करके मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कौन कौन सी स्पेलिंग। CENTURY सदी, ठीक है। फिर है आपका दिस इज फिनेंस, फिनेंस मतलब वित्तीय से रिलेटेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रिमेम्बर, रिमेम्बर मतलब याद करना या याद होना होता है, ठीक है। स्पॉन्सर, स्पॉन्सर का कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, चैंपियंस SPONS SOR, स्पॉन्सर बोलते हैं ना, आपने देखा होगा कि इसके इस सीरियल के स्पॉन्सर ये हैं या इस मैच के स्पॉन्सर अन अकेडमी है, यानी ये प्रायोजक है ना। तो आप पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो पे करता है, कंट्रीब्यूट करता है कॉस्ट को, जो भी किसी काम को करने में, आर्टिस्टिक वर्क को करने में या फिर किसी भी इवेंट को रन कराने में जो कॉस्ट लगती है ना, उसमें अगर कोई भी प्रायोजक है रुपए देते हैं ना, उन्हें स्पॉन्सर कहते हैं, स्पॉन्स करते हैं वो, राइट है ना। ऑल राइट तो बस यहाँ पर स्पॉन्सर लगा दो, नंबर मिल जाएंगे। सही स्पेलिंग सभी लोग लिखो, दीपांशु शर्मा जी। यस जैसे बोलते हैं ना, दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय, यस एब्सोल्युटली राइट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो एक पैरा जंबल है, पैरा जंबल तुम्हारे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल स्टेनोग्राफर Tier 2 के लेवल में भी पूछा जाता है। जरा लगाना तो पैरा जंबल क्या लगाओगे, बहुत बढ़िया। स्पेंसर रॉसरी में पहुंच गए क्या बेटा, बेटा यहाँ पे स्पॉन्सर की बात करोगे, प्रायोजक राइट। हाँ जी SPO लिखा हुआ था ना, केवल वहां पे ई की प्लेस पे ओ कर दो, गौरव वेरी नाइस ऑल राइट। मोनिका, मोनिका बहुत बढ़िया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। चलो आओ देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सीक्वेंस बनाना है, सीक्वेंस समझो। शुरुआत हो रही है आपकी, ध्यान से देखना, एन एनवायरमेंट एक जो वातावरण है ना, ये इंक्लूड करता है ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, सभी प्राकृतिक हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको, विच सराउंड अस टू हेल्प इन नंबर ऑफ वेज, है ना, जो हमें सराउंडेड करे हुए हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं बहुत सारे से तरीकों में, क्या क्या। इट प्रोवाइड अस बेटर मीडियम टू ग्रो एंड डेवलप, वातावरण हमें एक अच्छा माध्यम प्रोवाइड करता है जिससे हम ग्रो करते हैं डेवलप करते हैं। इट गिव अस ऑल थिंग्स विच वी नीड टू लिव आवर लाइफ ऑन द प्लैनेट, ठीक है। फिर है कंक्लूजन, देखो कहाँ दिख रहा है, हाउ एवर हेंस द सो, आपको मैंने इसके पहले भी बताया है, मैं फिर से बता दे रही हूँ गाइस, ध्यान से सुनो। ये जितना भी आपको हाउ एवर हैंस दस ये दिखता है ना, ये कंक्लूजन दिखाता है, कंक्लूजन यहाँ नहीं था यहाँ नहीं था यहाँ नहीं था, बचा ऑप्शन थर्ड या सी, केवल इतना कर दो नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लगा दो नंबर, ले लो आगे बढ़ो। अच्छा इसको देखते हैं, बहुत बढ़िया राशिद करीम, ओके दिस इज मिस्टर खिलाड़ी, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। प्रिंस जाट, गौरव, मोनिका, प्रीति सिंह, विनय साहू, चलो लगाओ इसको। हाँ जी इसमें भी केवल तुम्हें क्या करना है ना गाइस, पेयरिंग बनानी थी, ठीक है। पेयरिंग बना देते नंबर तुम्हें मिल जाते, ज्यादा से ज्यादा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है, फटाफट अंडरस्टैंड करो। यस शुरुआत कहाँ से दिख रही है चैंपियंस, एक ही ऑप्शन है,
स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ, बेटा शुरुआत यहाँ पे दिख रही है तुम्हारी, स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म जो समाज की निंदा है, दिस कैन बी वेरी डिफरेंट, ये बहुत अलग हो सकती है, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म होता है, नेवर हैज अ मोनोपोली, इनकी एक कोई नीति नहीं होती है ऑन सोशल क्रिटिसिज्म। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही थी यहाँ पे, अब इधर भी देखो, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट कैन दे बी दिस एक्सपीरियंस ऑफ अ माइनॉरिटी विद इन सोसाइटी जनरली, और इवन द एक्सपीरियंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ प्रोग्रेसिव सोशल मूवमेंट, दिस डज नॉट लर्न, ठीक है। तो गाइस देखो, भयंकर पेयरिंग आर से शुरुआत, पी से इसका पेयर बन रहा है, एस में देखो नेवरदलेस, आपको मैंने बता रखा है नेवरदलेस, द सो हैंस हाउएवर, ये सब क्या दिखाते हैं, ये सब कंक्लूजन दिखाते हैं बेटा। आपने देखा कंक्लूजन एस यहाँ पे है, आर और पी का भयंकर पेयर यहाँ बन रहा था, एक बार बस तुम्हें इसको क्रॉस चेक करना चाहिए था, राइट? यस, तो बस आपको फटाफट क्या करना था, भयंकर पेयरिंग कर देनी थी, आर पी का भयंकर पेयर है, एस से शुरुआत हो रही है, एस से आपका कंक्लूजन हो रहा है, तो बस लगा दो नंबर, मिल जाएंगे, राइट? आ जाओ, अब रोहन के बारे में कुछ बात हो रही है, यस, यस, बिल्कुल दीपांशु, बिल्कुल 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 वही है ना दीपांशु, ये सब मैंने आप लोगों को अनअकैडमी पे बहुत अच्छे से समझाया है, पेयरिंग करो आगे का समय, जब तक दूसरा बच्चा ये सोचेगा कि कहाँ क्या चूज करें, तुम लोग पेयर लगा के आगे बना के टिक कर जाओगे, राइट? और अभी अभी भी समय है, आप लोग 1 बजे और रात के 10 बजे जो मेरी फ्री क्लासेस है ना, इनको एक बार जरूर देखिए, इसमें बहुत तुम्हें लाभ मिलेगा, लगातार बच्चों को मिल रहा है मेरी क्लासेस से, एस एस सी सी जे एल सी एच एस एल स्टेनोग्राफर हर जगह, एस एस सी सी पी ओ संजीव कुमार जो है एस एस सी सी पी ओ में सेलेक्ट हुए, सी एच एस एल में क्लियर हुए है ना, ऐसे ही हमारे पास बहुत से बच्चे हैं, अनुराग का एस एस सी सी जे एल क्लियर हुआ है, इसके अलावा भी हाल फिलहाल में आकांक्षा गुप्ता और विशी शुक्ला, इन सब का एस एस सी स्टेनोग्राफर में सिलेक्शन हुआ है, तो बेटा तुम लोग भी जुड़ो, कितने बजे, 1 बजे और रात के 10 बजे जो फ्री क्लासेस होती हैं उसमें बैठो, इसके अलावा अगर पेड क्लासेस करनी है तो पेड क्लास का जो मेरा कोड है वो है मैक्स लाइव, क्या है, एक तो ये शाम को भी 10 लगा हुआ है, इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अनअकैडमी पे नाम सर्च कर लेना, ये लोगो पे लिखा हुआ है शाम्भवी, जैसे ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आप शाम्भवी सर्च करोगे मेरी आपको क्लासेस दिख जाएंगी, उसमें स्पेशल क्लासेस में आके देख लेना, मजा आ जाएगा, बता देना कैसा लगा फिर क्लास, राइट? आ जाओ, दीपांशु, दीपांशु सी टी आई थिंक इस ईयर के लास्ट तक हो सकता है अप्लाई हो जाए, ठीक है, और एंटिल और एंडलेस बेटा अभी देखो अभी कोई अपडेट नहीं आया है दीपांशु, तो फिलहाल आपको अभी यहाँ पे तैयारी करनी है ना, अभी पहले जो पढ़ाया जा रहा है जो चीजें हैं उनको मेहनत कर लो, जब होगा तो सबके लिए होगा है ना, केवल आपके लिए नहीं होगा वो, तो सबके लिए होगा, तो उसको ना परेशान हो, पहले अपनी तैयारी पुख्ता करो मजे से, यस। ये देखिए सुहाना हमारी बता रही है आपको, एसपी मैक्स लगाओ और सब्सक्रिप्शन पाओ और मैक्सिमम डिस्काउंट पाओ, ये वो बालिकाएं हैं, ये वो बालक हैं जिन्होंने खुद के अंदर एक बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखा है, और तभी ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं गाइस, ध्यान रखिएगा, आइए 56 बच्चा बैठा है, इधर आओ, रोहन वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द ईमेल, इसका क्या करोगे, मैंने आपको क्या बता रखा है गाइस, जैसे ही तुम वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो यानी ये पैसिव वॉइस में है, अब इसका एक्टिव क्या कहा होगा, सुहाना नेहा ये सब तो मैंने तुम लोगों को एकदम टिप्स पे करवा दिए हैं, इतनी मेहनत करवाई है, फटाफट लगाओ मैम, जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है ना एक्टिव वॉइस में वही वॉज वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाता है, तो बस इधर क्या करना था, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के इधर कर देते, नंबर मिल जाता, ठीक है, आ जाओ इधर देखते हैं, राम सेड टू रोहन डोंट रन सो फास्ट, इसका देखो सोचो समझो और बनाओ, बहुत बढ़िया अब्दुल, यस अब्दुल जी लगाइए इसको बनाइए, राम ने रोहन से कुछ कहा है, सुनिएगा इस ध्यान से देखना, केशव हमारी जो क्लास का रेगुलर स्टूडेंट है तुरंत कहता है मैम डोंट, आपने पढ़ा रखा है इम्परेटिव में डोंट को देखते ही क्या बदलते हैं, सभी लोग बताओ, नॉट टू, देखो नॉट टू कहाँ था, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, आओ, तो राम रिक्वेस्टेड नहीं होगा, राम टोल्ड रोहन, राम ने रोहन को बताया नॉट टू रन सो फास्ट कि भाई इतनी तेज मत दौड़ो, राइट? तो केवल इतना कर देना था नंबर आपको मिल जाता, राइट? चलो तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन या डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्लियर है प्रियांशु ठाकुर, अब्दुल कलाम जी, देव, सुहाना, ऑल राइट मोनिका, सही कर रही हो, मोनिका सही जा रही हो बेटा, चलो तो आई होप यहाँ तक तुम लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आया,
चलो उसको देखते हैं क्या करोगे। लैंग्वेज, भाषा। अब भाषा से रिलेटेड कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा, जरा सोचो समझो बनाओ। यस, अरे वाह, हरीशचंद्र जी आप भी आ गए हैं। हरीशचंद्र जी चलो, गुलू बाबू जी, बाबू जी, बाबू जी आइए। देखिए भाषा, भाषा क्या लिखा हुआ है, दे से लैंग्वेज के लिए वे कहते हैं दिस इज द थ्रू विच ह्यूमन बींग्स परसीव द वर्ल्ड। गाइस, परसीव करने की बात हो रही है यहाँ पे, बोलने की, कम्युनिकेट करने की बात नहीं है। देख रहे हो, अगर परसीव करने की बात है यानी देखने की बात है, तो देखने के लिए इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कौन बताएगा मुझे? यस, लेंस का काम होता है, ठीक है, कोई भी डिवाइस ऑफ अ कैमरा है ना, जो भी चीज है, पीस ऑफ ग्लास, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिससे हम दूर और पास की वस्तुओं को देखते हैं, राइट। तो गाइस यहाँ पे परसीव करने को देख के क्लू दिया हुआ था, देखने से रिलेटेड है ना, रिकॉग्नाइज करना आप लेंस के थ्रू करेंगे। यहाँ पे कोई स्रोत की बात नहीं हो रही है, टेलीस्कोप की बात नहीं हो रही है, लेंस से कह रहा है कि जो भाषा है ना, ये एक प्रकार का लेंस है जिससे कि ह्यूमन बीइंग ना परसीव करते हैं इस विश्व को, इस समाज को। इफ सो, यदि ऐसा है तो इंग्लिश इज पर हैव, इंग्लिश भाषा जो है ना, दिस इज शायद, दिस इज द मोस्ट क्या है, लेंस थ्रू विच टू सी एनिमल्स, इट हैज अक्रॉस द आइड व्यू ऑफ बर्ड्स, इट बीट्स फिश एंड फाउल, द वेरी वर्ड एनिमल, दिस कैन, दिस इज दिस एनिमल इंप्लाई बेसनेस एंड वल्गैरिटी। ऑलराइट, चलो भाई देखो यहाँ पे कुछ नेगेटिव बात हो रही है ना, बेसनेस, वल्गैरिटी, यानी यहाँ पे भी तुम्हें कुछ लेना है नेगेटिव, तो जो इंग्लिश है ना वो क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। इफ सो, यदि ऐसा है, यहाँ पे जो इंग्लिश है ये, इसके बारे में देखना, ये परहैप्स द मोस्ट डिस्टॉर्टिंग लेंस है, ये सबसे ज्यादा खराब करने वाला लेंस है, थ्रू विच जिससे कि एनिमल्स को देखा जा सकता है, ऐसी बात की जा रही है, ठीक है। आओ आगे देखते हैं, इट हैज, या रखता है, क्या रखता है, डिस्टर्ब करना पॉपुलर और यूजफुल नहीं होगा, हटा दो यहाँ से। इट हैज, या रखता है, देखते हैं, अक्रॉस आइड व्यू ऑफ बर्ड्स, है ना, ध्यान से देखो, एक प्रकार की क्रॉस आइड रखता है। क्रॉस आई का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, सोचना, और मैं आपको बताती हूँ इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। आओ फटाफट, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करते रहो ना। हरिश्चंद्र जी, हरिश्चंद्र जी, मेरा जो नया बैच है ना बेटा, सुबह 10 बजे मैं डेली आपको पढ़ा रही हूँ, और पता है आप लोगों को, रुपए बढ़ने वाले हैं, अनअकैडमी का नोटिफिकेशन आ चुका है, प्राइस हाइक होने वाला है बेटा, अगर एक बार रुपए बढ़ जाएंगे ना तो उसमें बहुत ज्यादा आपका नुकसान हो जाएगा, तो बेटर है आपको अभी सब्सक्रिप्शन डन करके तैयारी करनी चाहिए, इस कोरोना काल में अनअकैडमी से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आओ गाइस, क्रॉस साइड मतलब भैंगा होना होता है, ठीक है, हाँ जी, तो बस ध्यान रखना, अगर कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर भैंगे होके देख रहा है, ऐसे टेढ़े होके देख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बोल रहे हैं, तो देखते हैं गाइस क्या कह रहा है। इट हैज, रखता है, ध्यान से देखना, परपिचुएटेड, सतत, है ना, लगातार अंग्रेजों ने एक प्रकार के क्रॉस आइड व्यू रखा है ना, मतलब एक ऐसा व्यू रखा है, एक ऐसी तरीके से हम लोगों को देखा है जो सही नहीं हो, राइट। अंग्रेजों की यहाँ पे बुराई चल रही है ग्लांस करना, किसी भी चीज को अगर क्रॉस आइड व्यू देख रहे हो तो तुम उसे एक तरह से थ्रेटनिंग मैनर में, ठीक है, इंसोलेंट मैनर में देख रहे हो, राइट। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हो, क्रॉस आइड देख रहे हो, तो वो चीज कैसी है, उसको तुम पहले से वैसे सोच के चल चल रहे हो, है ना, हाँ जी। तो बस यहाँ पे देखते हैं, हाँ, वो परपेचुएटेड, अब कोई चीज जो तुमने पहले से मान रखी है वो सतत चलने वाली है, अकंपनीड, तो साथ देने वाली एक्सरसाइज यहाँ पे होगी, अनडेटर, कोई चीज जो बिल्कुल एकदम रुके नहीं, थमे नहीं, तो ये होगा नहीं, यहाँ पे हटा दो। नेक्स्ट देखते हैं, इट हैज, डैश डैश डैश, अक्रॉस आइड व्यू ऑफ बर्ड्स, बीज, फिश एंड फाउल, द वेरी वर्ड एनिमल, यहाँ पे जो एनिमल शब्द है ना, दिस कैन, ये कर सकता है, क्या कर सकता है, देखते हैं। यस, ऑलराइट ऑलराइट, सभी को बताना है कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके करके, चलो बताते चलो फटाफट, हाँ जी। कनेक्ट, कनेक्ट मतलब क्या होता है,
कभी भी किसी भी चीज को अगर जन्म दिया जा रहा है ना, जन्मजात कोई चीज जो अगर आपकी इनेट है, इनबॉर्न है, ठीक है, तो देखो द वेरी वर्ड, ये जो एनिमल वर्ड है ना, दिस कैन, ये क्या है, ये कॉनेट है, जन्मजात है, द ब्रूटिश एंड द सेंसुअल, ठीक है, रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो यहाँ पे, ट्रबल परेशानी में नहीं डाल रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, इसको थोड़ा समझते चलना है। आप देखो जानवर जो है ना, जानवर प्रकार इम्प्लाई बेसनेस एंड वल्गैरिटी, अब इस एनिमल से रिलेटेड बात हो रही है, देखो ये क्या कर रहा है, एनिमल की जो स्पीसीज, एनिमल की क्या होती है गाइस, जानवर की ब्रीड नहीं होती है ना, एनिमल की ब्रीडिंग्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, जेसर या लुक की बात नहीं हो रही है, इनकी प्रजाति जाति की बात नहीं हो रही है ना, इनके लिए क्या होगा, केवल एक ऑप्शन यूज किया जाएगा, दिस इज इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ, ध्यान से समझ लो, सोच लो। ऑलराइट, कोई भी जो इननेट आपका फिक्स्ड पैटर्न बिहेवियर होता है ना किसी भी जानवर वगैरह में, ठीक है, उसको कहते हैं, तो एनिमल के अंदर जो एक फिक्स्ड पूरा स्ट्रक्चर है ना, उसको इंस्टिंक्ट कहेंगे। ये इम्प्लाई करता है, ये लेकर आता है किस चीज को, बेसनेस को और वल्गैरिटी को। तो बस कंक्लूजन आपको थर्ड ऑप्शन या सी ऑप्शन में दिख रहा था, लगा देते हैं नंबर मिल जाता। तो किसी के भी क्लोज टेस्ट में 5 नंबर आए हैं क्या? हाँ जी, राधे राधे, अंशु मिश्रा जी, राधे राधे, यस, अरे वाह भाई वाह, तुम लोगों ने तो बहुत सही किया हुआ है, पुष्प रेखा, प्रीति कुमारी, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा तुम लोग। हाँ जी, अच्छा, हमारी एक बालिका है, वो कह रही है मैम कनॉट का मतलब, कनॉट मतलब होता है जन्मजा, है ना, बाय बर्थ आपके अंदर अगर कोई क्वालिटी हो, इननेट क्वालिटी हो, इनबॉर्न क्वालिटी हो, ठीक है, उसको कहते हैं। ऑल राइट, पुष्प रेखा, गौरव एंड एवरीवन, सभी लोग बताओ मुझे कमेंट सेक्शन पे, कमेंट करो चैंपियंस, यस, फटाफट बताओ। ऑल राइट, चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है देख कर सुनकर कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, लगातार तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पा रहे हो, आ जाओ तो देखते हैं। इसको जरा लगाना, देखो क्या लिखोगे गाइस, कुछ प्रश्न और हैं, इनको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ जी, मलय, मलय बेटा देखो, अगर मैं बात करूँ आपको, ऐसा हो सकता है पहले यही एक्सपेक्टेशन थी कि जुलाई का आपका जो मंथ है उसमें एसएससी अपने एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगी, ठीक है, तो हो सकता है मतलब अगर कोविड के केसेस वगैरह से कुछ सही रहा तो एग्जाम हो सकता है आपका, ठीक है। हाँ जी, आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या करने वाले हो। हमारा जो नया ऑफिस है ना, दिस विल बिकम ऑपरेशनल, ये काम में आ जाएगा, हरकत में आ जाएगा, बोलते हैं ना 1 हफ्ते के टाइम में, तो में प्रिपोजिशन कहाँ दिख रहा है, फॉर दिखेगा नहीं, बाय के द्वारा होता है, हटा दो, इन अ वीक्स टाइम, 1 हफ्ते में, इतना लगाओगे नंबर आपको मिल जाएंगे। आइए इसको देखते हैं, इसका क्या करोगे गाइस। सभी लोग बताओ, यू विल नॉट लर्न साइकिलिंग अनलेस यू डोंट ट्राई, गाइस यहाँ पे अनलेस के साथ में डोंट लगाना गलत है, अनलेस यू ट्राई कर दोगे, अनलेस और अंटिल के साथ में हम लोग फिर से नॉट नहीं लगाते हैं, तो यू विल नॉट लर्न साइकिलिंग अनलेस यू ट्राई, इतना कर दो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, सॉलेम, सॉलेम का मतलब क्या होता है, सभी लोग सोचिएगा, समझिएगा और फिर बनाइएगा। शालिनी कुमारी, वेरी नाइस शालिनी, गौरव बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, बहुत अच्छा, आओ। हाँ जी, सॉलेमन इज समथिंग रिलेटेड टू कोई भी चीज जो तुम्हारी बहुत ज्यादा डिग्निफाइड है, राइट, बहुत ही सीरियस है, तो बस यहाँ पे सीरियस ऑप्शन दिख रहा था, ऑर्डिनरी साधारण होता है, इग्नोरेंट मतलब ध्यान ना देने वाला, फ्यूरियस मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा गुस्से से भरी हुई है ना, क्रोध से, एंगर से भरी हुई है, ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, हटा देते हैं, नंबर आपको मिल जाते हैं। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, अगर तुम SSC CHSL की तैयारी कर रहे हो और साथ ही साथ तुम्हारा CGL एग्जाम भी क्लियर हो जाए, तो मैं बोलूंगी गाइज यू हैव किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक ही तीर से दो निशाने लगाना,
राइट, टू अचीव टू रिजल्ट्स विद अ सिंगल एफर्ट, एक तीर से दो निशाने लगाने के लिए आप ये लगा देते हो, नंबर आपको मिल जाएंगे, राइट। और आज के टाइम पे गाइस, अब कहीं पे भी अगर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने को मिल रहा है, यानी गाइस वो तुम्हारे लिए रामबाण है। जैसे कि अभी दीक्षा गुप्ता जी है ना, सुहाना सैक जी, पल्लवी जी बता रही थी कि गाइस आपको अगर अनअकैडमी पे जुड़ना हो तो देखो ये t.me/शांभवी पांडे, शांभवी पांडे, ये है आपका टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इस ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी में मेरी जो फ्री क्लासेस होती हैं वो डेली 1 बजे और रात के 10 बजे होती हैं। अभी मुझे रात के 10 बजे वाले सेशन में जरूर मिलना, क्योंकि वहां पे ना अनअकैडमी में इंटरफेस बहुत अच्छा है। वहां पे मैं तुम्हें पोल के थ्रू प्रैक्टिस कराती हूँ, और मैंने देखा है लगातार जो बच्चे CGL CHSL में सेलेक्ट हुए हैं ना, बार बार थैंक्स कहते हैं कि मैम आपकी वजह से अनअकैडमी में जुड़े थे, और मैम CHSL क्लियर हो गया, मैम CPO क्लियर हो गया, राइट। तो आपको भी जुड़ना है, मेहनत करनी है, राइट, आ जाओ। फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट कॉज मच डैमेज, राइट। तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। हाँ जी, इसको आपको पैसिव में परिवर्तित करना है। ये जो डिड नॉट लिखा हुआ है ना, अपने को पता है जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, इसका कन्वर्जन किस में जाता है, इसका कन्वर्जन जाता है वॉज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, राइट। तो बस यहाँ पे क्या कर देना है, वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना है, ऑल राइट। चलो, तो ये बहुत ही भाग्य की बात है, तो बस यहाँ पे लगा देंगे कि जो फायर है ना, इसने बहुत ज्यादा डैमेज नहीं किया है, बस यहाँ पे वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते, नंबर मिल जाता है चैंपियंस तुम लोगों को। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्या करोगे सभी लोग। राहुल सेड टू हिज मदर, कैन आई गो आउट एंड प्ले नाउ, इसका क्या होगा। ये शालिनी, अब्दुल, आलोक, गौरव, वेरी नाइस, दिस इज प्रीतम, सुहाना, बहुत अच्छी बात है, लगाइए बनाइए जरा फटाफट। अब स्पॉटिंग ऑफर के क्वेश्चंस करने हैं दोस्त, ठीक है, आ जाओ। तो राहुल ने आस्ड किया अपनी माँ को, अब कैन का कन्वर्जन कुड हो जाता है, और यहाँ पे कनेक्टर इफ लग जाएगा, ठीक है। तो देखो कहाँ पे है, इफ ही कुड गो आउट एंड प्ले, देन पहला ऑप्शन या ए ऑप्शन जो लिखा हुआ था वो बिल्कुल सही लिखा हुआ था, राइट। इसे टिक कर दोगे, नंबर मिल जाएंगे। बेटा क्या नाम है, कुमार जी, दिस इज मलय। देखो करते क्या है, कनेक्टर इफ लगाते हैं, ठीक है। जब भी तुम्हारा इंट्रोगेटिव होता है, काम करो, नरेशन मैंने अपनी अनअकैडमी प्लस पे करवा रखा है, एक बार गो थ्रू कर लो ना, वहां पे तुम्हारा जो कंसेप्ट है ना वो प्रॉपर बिल्ड हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो राहुल ने आस्क्ड किया अपनी माँ से, इफ ही कुड गो आउट एंड प्ले नाउ का देन हो जाएगा, राइट, यस, आस्ड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आस्ड करना है, इफ देखना है, और असरेटिव बना देना है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो, आ जाओ। परसुएड करना, परसुएड का क्या जाएगा, अब्दुल कलाम जी लगाइए जरा, प्रीतम जी, अनीश जी, प्रीति जी, आलोक जी, गौरव जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शालिनी, सुहाना। परसुएट मतलब होता है सुहाना, राजी करना, राइट। अभी इधर क्या कर रहे हैं, अभी हम उसको डिसवेट कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। अभी तक तुम किसी को काम को करने के लिए ना राजी कर रहे थे, मना रहे थे, अब उसको रोक रहे हो, इनकार कर रहे हो कि भाई ये काम मत करना, उसे भड़का रहे हो, ठीक है। तो हटा दो यहाँ पे फटाफट, आपको क्या करना था, एक ऑप्शन लगा देना था, नंबर आपको मिल जाते, ठीक है। अच्छा, परवेट, परवेट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो तुम्हारी रिस्क रिस्क कर स्प्रेड थ्रू हो रही है, तो ये भी हटाओ इधर से। इंड्यूस मतलब प्रोत्साहित करना, इंप्रेस तो नहीं होगा यहाँ पे, तीनों ही ऑप्शन, पहला या ए आपको लगाना है, नंबर लो, आगे बढ़ो, ठीक है। चलो गाइस, अब मैं तुम लोगों को स्पॉटिंग ऑफ एरर कराऊंगी, राइट। लास्ट का जो हमारा समय है वो स्पॉटिंग ऑफ एरर करने का समय है, तो स्पॉटिंग ऑफ करने के लिए क्या आप सभी तैयार हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पॉटिंग ऑफ एरर सेक्शन, बहुत से बच्चों के लगातार कमेंट में मेरे पास मैसेजेस आते हैं, बच्चे कहते हैं मैम स्पॉटिंग ऑफ एरर करवा दीजिए प्लीज। तो कितने लोग स्पॉटिंग ऑफ एरर करना चाहते हो, एक बार मुझे गोली की रफ्तार में बताइए, सभी लोग बताओ। यस मैम, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक बताऊंगी, बोले थे सेशन एंड यस यस यस, रहमान, बिल्कुल रहमान जी। देखो आप अगर वो कैप की तैयारी कर रहे हो, राइट, वो कैप पढ़ना चाहते हो, तो देखो सबसे जो अच्छी किताब है, एक तो वर्ड पार मेड इजी है, ठीक है। कौन सी,
वर्ड पार मेड इजी, राइट? तो वर्ड पार मेड इजी ले सकते हो, नहीं तो अगर वो नहीं है तो आजकल एक तुम्हारी ब्लैक बुक बहुत ज्यादा बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, उस ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हो। उसमें भी तुम्हें बहुत अच्छे से वो कैप करने को मिल जाएगा, उसमें वन वर्ड ईडियम एंड फ्रेजेस सारी चीजें तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आप अगर नीतू सिंह की किताब है, एसपी बख्शी की किताब है, उससे भी तुम अपनी पहले सबसे पहले वो कैप कवर कर सकते हो, क्योंकि उनके द्वारा भी बहुत बार मैंने देखा है पेपरों में डायरेक्ट डायरेक्ट से वो कैप के शब्द फंस जाते हैं, है ना। जब ये हो जाए एमबी पब्लिकेशन की किताब उठा लेना, उससे बस प्रैक्टिस कर डालना, ठीक है। ये तरीका है, ये बेस्ट आपका जो तरीका है वो मैं आपको एक्सप्लेन करे दे रही हूँ। अब बाकी आपका जैसा भी, आपको सबसे पहले किताब उठाओ, देखो तुम्हें जो सबसे ज्यादा समझ में आए उसको कर डालो, बना डालो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अच्छी बात है, हाँ जी, ओके, ऑल राइट। अब आ जाओ स्पॉटिंग ऑफ एरर की कुछ समस्याएं करते हैं, कुछ बढ़िया तरीके से समस्याएं करी जाएंगी। अब आओ, ऑल द बेस्ट गाइज। नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉन्सेप्ट बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। तुम्हारी स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ है मैम, एक बार प्लीज स्क्रीन पर लिखो ना दो तीन बुक्स के नाम। या बिल्कुल लिख देती हूँ, देखो आज रहमान जी इधर आइएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला आपको दिस इज वर्ड पार मेड इजी, एक सेकेंड, यस, वर्ड पार मेड इजी। इसमें ना रूट के बेसिस पे, एटिमोलॉजी के बेसिस पे, फॉरेन ऑथर की है, इजी है लैंग्वेज बहुत, ठीक है। दिस इज नॉर्मन नॉर्मन लुइस, ठीक है, ये किताब है। इसके अलावा आपकी एक ग्रामर की जो किताब होती है ना, प्लेन टू पैरामाउंट, यानी पी टू पी, ये किताब बहुत अच्छी है ग्रामर के लिए, प्लेन टू पैरामाउंट, ये नीतू सिंह की किताब है, बाय नीतू सिंह, केडी कैंपस में आती है अभी, ठीक है, नीतू सिंह, इसको ले लो सबसे पहले, यही किताब ले लो। इसमें ग्रामर भी है तुम्हारी, वो कैप भी है, और इसमें सबसे ज्यादा फंसता भी है कंटेंट, राइट? इस किताब को ले लो, बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, आ जाइए। ऑल राइट, देखो गाइस, नॉट ओनली हैज द डायरेक्टर मेड अ गुड इम्प्रेशन बट ऑल्सो, बेटा यहाँ पे पेयर किससे जाता है नॉट ओनली का, मैंने आप सभी को बता रखा है, पढ़ा रखा है, नॉट ओनली का जो भयंकर पेयर बनता है वो बनता है बट ऑल्सो से, तो बस आपको ये लगा देना था, ठीक है। नीदर का पेयर बनता है नॉर से, किससे? नीदर का पेयर बनता है नॉर से, ठीक है, ईदर का पेयर बनता है और से, जैसे ये देखो, है ना, नॉट ओनली का पेयर बनता है बट ऑल्सो से, राइट? तो ये कुछ आपकी भयंकर पेयरिंग है, इनको लगाना है, बनाना है, ठीक है, एग्जामिनेशन में बहुत आपको हेल्प करेगी। आई हैव ऑलरेडी दिस बुक जी, बहुत बढ़िया बात है प्रीता, तब तो अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी आपकी, है ना। आओ, एंटी रॉट जो है ना, ये जो विष को मारने वाला चीज है, मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड 2 टाइम्स इन अ डे, इसको देखते हैं क्या करोगे। यस, हाँ जी गाइस, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जो एंटी डॉट है ना, दिस मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड 2 टाइम्स इन आर डे। देखो इन और आ दोनों साथ में लगाने की जरूरत नहीं है, या तो इन लगा दो, इन डे या आर डे, ठीक है, तो बस फटाफट आपको ये लगा देना था, नंबर आपको मिल जाते। आइए, सलमान रशीदी इज एज टैलेंटेड राइटर एज ग्रैहम ग्रीनी, इसके लिए क्या लगाओगे? ऑलराइट, अजय यादव जी, ब्लॉक होना है क्या आपको हमेशा के लिए? हाँ हाँ जी, इन अ डे, पर डे, इन डे, ये सेम रहता है अब्दुल। बेटा जो भी बच्चे पूछ रहे हैं ना कि हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसएससी के एग्जामिनेशन को, तो मैं आपको बता दूं, एसएससी का जो एग्जामिनेशन है जुलाई तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आ जाओ, इसको देखना ध्यान से, इसका क्या करोगे, जो सलमान रशीदी है ना, ही इज, ये क्या होगा, एज टैलेंटेड राइटर एज ग्राहम ग्रीनी, जो लिखा हुआ है ध्यान देना है यहाँ पे, एज टैलेंट, ये सही करना है तुम्हें, देखो ये जाएगा तुम्हारा, सलमान रशीदी इज एज टैलेंटेड राइटर एज ग्राहम ग्रीनी, राइट? बस केवल इतना कर देना था, एज एज से आपको बना देना था, नंबर आपको मिल जाते, राइट? बस यहाँ पे आ राइटर लगा देते हैं, क्या, आ राइटर। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ना सलमान रशीदी का और ग्राहम ग्रीनी का,
दोनों का कंपैरिजन लगाओ, नंबर लो। बेटा तुम्हारा टारगेट है आज 100 लाइक्स होने चाहिए। कितने हैं? आपके पास आज 100 लाइक्स, फटाफट लगा डालो। सभी लोग, जितने लोग क्लास में बैठे हुए हो ना। ऑल राइट, आज देखते हैं आप में कितना है दम, आज देखेंगे हम। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेकंड रुकना। यस, आज वो बैंक के लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, राइट? सो ये आपके एसएससी के लेवल के हैं। यस, चलो। वंस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर एज रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। क्या होगा? यहाँ पर जो एज है ना, इस के प्लेस पे, एज के प्लेस पे क्या कर दोगे? आर कर दोगे। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? इसमें प्लूरल बात हो रही है, प्लूरल के लिए यहाँ पे आप आर लगाओगे। ठीक है, क्लियर है? वेद शर्मा, अब्दुल, दिस इज नीरज सोनी। यस, ऑल राइट, पुष्पित शिखा, एब्सोल्युटली राइट गाइस। वंस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, एक बार जब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी के द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल है इस हाउस के लिए, है ना? विधानसभा में कई कई सारे से हाउसेज होते हैं, उसके लिए बात हो रही है। ऑल राइट, यहाँ पे सारे आपके जो बैंक वाले हैं उसको मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे भी सारे बैंक वाले दिए गए हैं। ऑलराइट, एक सेकंड का टाइम देना। चलो, इसमें देखना है, एसएससी सीजीएल का है 2017 का, तो इसमें नंबर मिलेंगे। इसका लगाना जरा, बाकी क्लास में जितने बालक बालिकाएं बैठे हुए हैं, एक एक थम इम्प्रेशन जरूर दे दीजिएगा क्लास में। सभी लोग थम इम्प्रेशन देते चलिए। थैंक यू अनीश। मोनिका कह रही है मैम 100 से भी ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल मोनिका, मुझे आप लोगों पे बिल्कुल भरोसा है। जिस तरह से आप लोग मेहनत करते हो, जिस तरह से लगातार मैं देखती हूँ क्लासेस, 100 पार तो करना ही करना है। ठीक है, आज मैं देखूंगी आप में कितना है दम, आज देखूंगी मैं, फटाफट लगाओ और करो। ये देखो, अभी अभी मैंने बताया था ना, नो सूनर का गाइस, नो सूनर के बाद में इन्वर्जन फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। ठीक है, और इसका देखो पेयर जाता है नो सूनर का देन के साथ में, ना कि वेन। हार्डली स्केर्सली का पेयर वेन जाता है, ये देखो लिखा हुआ है हार्डली, और स्केर्सली का पेयर वेन से होता है, नो सूनर का पेयर देन से होता है। तो यहाँ पे THAN लगा देना था। ठीक है, लिखा क्या हुआ है देखो, नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई हाउस टू गो टू द मार्केट, वेन इट स्टार्टेड रेनिंग हेवनली विच ड्रेंज्ड मी कम्प्लीटली। कह रहा है जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला ना मार्केट जाने के लिए, तो क्या हुआ, बारिश बहुत तेज हो गई, जिसने मुझे भिगो दिया, गीला कर दिया। राइट, आ जाओ फटाफट लाइक करते चलिए। सुषमा चौधरी जी, गुड इवनिंग। सुमित जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रुपेंद्र जी। बेटा सभी लोग, मैम मेरा CHSL पोस्टपोन हो गया है, कब तक होगा एग्जाम बताओगी? प्रीतम, प्रीतम अभी तक तो जो पहले अपडेट था SSC का, वो जुलाई में पेपर होने के चांसेस थे, राइट? अभी देखते हैं कोविड का क्या सिनेरियो रहता है। 5 summons have been issued by the district courts. बेटा यहाँ पे आपको देखो summons लिखा हुआ है। summons ना खुद में सिंगुलर होता है, ऐसे तुम्हें प्लूरल करने के लिए summonses करना होगा। summon मतलब होता है किसी को ask करना, है ना? जब भी कोर्ट के द्वारा या ऑफिशियली किसी को बुलाया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं बुलावा, जब आता है कोर्ट वगैरह के द्वारा, है ना, ऑथेंटिक मैनर में, उसे summons बोलते हैं। एक प्रकार की नोटिस वगैरह होती है जिसमें कि तुम्हें कोर्ट में अपियर होना होता है। summons ये जो नाउन है सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल समंसेस होता है। ये देखो यहाँ पे तो 5 summonses जो हैं, ये क्या दिए गए, इशू किए गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, बट ही हैज नॉट टर्नड अप येट, लेकिन वो अभी तक अपियर नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ, ऐसे बात हो रही है। राइट, फटाफट 100 लाइक करने हैं। ऑल राइट, ओके, चलो आगे देखते हैं। इसमें भी बैंक की है, ये वाला सही है। She was quite amusing at that story. इसका क्या जाएगा?
फटाफट थम इम्प्रेशन देते जाइए, जैसे ही 100 लाइक हो जाएंगे आपकी जो एक वर्चस्व है वो मुझे समझ में आएगा और उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, राइट? सुजीत इज हियर, ओके। मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्या करें सुजीत? केवल एक उपाय है, एक काम करो, मैं जो देखो, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, राइट सुजीत? अभी मेरा रात में जो 10 बजे वाला सेशन होगा ना, एक तो ये वाला क्लास कर रहे हो, अभी नेक्स्ट क्लास रात के 10 बजे है, उस रात के 10 बजे वाले क्लास में जरूर बैठना, वहां तुम्हें बढ़िया मेहनत प्रैक्टिस करने को मिलेगा, राइट? आ जाओ बेटा, समांस, वेद वेद समांस, देखो आ जाओ। नाउन नहीं पढ़े हो क्या हमसे? देखो ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं आपसे, कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मैं तुम्हें, बताना मुझे जिसने भी बोला है वेद, आई थिंक। हाँ मुझे एक बात बताना, जैसे मैंने बोला फिजिक्स, ठीक है, लास्ट में एस लगा हुआ है लेकिन है तो किसी विषय का नाम ना, मैथमेटिक्स, सिविक्स, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आपके नाम है जो तुम्हें देखने में प्लूरल लगते हैं, बट एक्चुअली वो मीनिंग वाइज देखोगे तो सिंगुलर है। अभी किसी विषय का नाम है, विषय का नाम तो सिंगुलर होगा ना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, कुछ कुछ आपकी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज, डायबिटीज एक बीमारी का नाम है, तो बीमारी का नाम में लास्ट में तो एस होता है, मिजल्स, MESLES, मिजल्स क्या है? तुम्हें तो देखने में प्लूरल लग रहा होगा लेकिन ये बीमारी का नाम है, इसे तुम सिंगुलर ट्रीट करोगे, ठीक है, हाँ जी, और इसी का मेजल्सेस हो जाएगा। जब प्लूरल फॉर्म में करोगे ना तो तुमको ईएस लगाना है, मेजल, मम्स, रिकेट, शिंगल्स, ऐसी कुछ किताबें होती हैं जिनके लास्ट में एस होता है, जैसे टू स्टेट्स। टू स्टेट्स मैं बोलूँ, टू स्टेट्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल, एस करोगे या आर कर दोगे भाई? एस करोगे ना, क्योंकि ये किसी नॉवेल का नाम है, राइट? क्लियर है? ऑल राइट, तो देखो क्या है, फाइव समन्स है, पांच बुलावे आए हैं, हैव बीन इशूड, बेटा पांच बुलावों की बात हो रही है ना, 5 बार बुलाया गया उसको, तो 5 बार मतलब प्लूरल हो गया, राइट? और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो जिला न्यायालय है उसने उसको 5 बार समन्स भेजे कि भाई कोर्ट में, न्यायालय में उपस्थित हो, बट लेकिन ही हैज नॉट टर्नड अप येट, लेकिन वो अभी तक वहां पे नहीं अपियर हुआ, राइट? केवल इतना करना था, नंबर आपको मिल जाते। फटाफट जो लोग भी क्लास को लाइक कर रहे हो एक बार थम इम्प्रेशन दे दो, राइट? चलो लगा दो फटाफट। ऑल राइट, ऑल राइट, चलो आओ नीचे से देखते देखते हैं इसका क्या जाएगा। हाँ जी देखो गाइस, ये जो अम्यूजिंग लिखा हुआ है ना, क्वाइट अम्यूज लगाओगे, क्वाइट यहाँ पे एज एन एडवर्ब आ रहा है, इसके बाद में तुम्हें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, राइट? तो अम्यूज एट होता है, राइट, और अम्यूज बाय समथिंग, तो थिंकिंग दैट समवन ऑफ समथिंग इज इंटरेस्टिंग, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, वी वर अम्यूज एट हर जो होता है, वैसे ही शी वॉज अम्यूज एट दैट स्टोरी, राइट? क्लियर है? जितने लोगों को एक बार फटाफट थम इम्प्रेशन दे दो गाइस, आज देखना है आप में से कितने लोग अपना अपना शी पिक्ड ऑन द ट्रेल सून आफ्टर, इसको शी हैज रिड्यूस्ड हर कंजम्पशन टू कंसिडरेबली। ऑल राइट, चलो इसको देखना जरा गाइस, क्या करोगे, शी हैज रिड्यूस्ड हर कंजम्पशन, इसे देखना। ऑल राइट, यस, एब्सोल्युटली राइट, एलन मस्क भाई, बहुत बड़े एलन मस्क, मैं देखती हूँ आप बहुत आते हो क्लासेस में मेरी। हाँ 98 लाइक्स हो चुके हैं, फटाफट 2 लाइक्स और बाकी हैं। बिल्कुल सही कह रही थी बेटा तुम, जो भी बालिका भी कह रही थी ना कि मैम आपकी क्लासेस में लाइक्स तो हो जाएंगे, राइट? फटाफट देखो, कह रहे हैं शी हैज रिड्यूस, उसने कम कर दिया है कंजम्पशन यानी खपत को कंसिडरेबली, है ना? टू कंसिडरेबली नहीं कर दोगे भाई, टू लगाने की कोई मतलब ही नहीं है, एडवर्ब है, एडवर्ब आपका लास्ट में लगता है, तो बस इतना कर देना था, एडवर्ब लगा देते नंबर आपको मिल जाता, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, इट वॉज डिफिकल्ट डिसाइडेड अबाउट ब्रेकअप, इसका देखो जरा क्या करोगे, फटाफट जल्दी जल्दी लाइक कर दो फटाफट। हाँ जी, सभी को लाइक करना है, फटाफट लाइक करते चलिए। चलो डन, ऑल राइट, ऑल राइट, चलो
इट वॉज डिफिकल्ट टू डिसाइड होगा ना, यहाँ पे डिसाइडेड करना गलत है, कह रहा है इट वॉज डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल था टू डिसाइड, डिसाइड कर पाना तो टू प्लस डिसाइड करो। यहाँ पे अबाउट ब्रेकअप है ना, ब्रेकअप के बारे में सोचकर डर लगता है ना कई बार लोगों को, तो वही बात हो रही है कि इट वॉज बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए ब्रेकअप के बारे में सोच के डिसाइड कर पाना। तो बस यहाँ पे इन्फिनेटिव का प्रयोग करोगे एज एन ऑब्जेक्ट तुम्हें यहाँ पे चाहिए, तो बस यहाँ पे क्या कर दोगे टू डिसाइड कर दो, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है चलो आओ। इसको देखना जरा आशीष, आशीष रंजन, आशीष टू प्लस वी वन करके ना हम क्या करते हैं इन्फिनेटिव को बनाते हैं, ठीक है। और जो इन्फिनेटिव होता है ना उसका काम होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह। आ जाओ, एक बच्चा है उसने बोला मैम टू क्यों लगाते हैं, इधर आओ मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान से देखो बेटा, टू प्लस वी वन इज इक्वल्स टू इन्फिनेटिव, राइट। ग्रामर में, एडवांस ग्रामर में मैंने बताया था इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, ये आपका या तो ये सब्जेक्ट के रूप में आता है या ऑब्जेक्ट के रूप में। इधर देखना जरा, ऑब्जेक्ट यानी नाउन, तो इट वॉज या था डिफिकल्ट मुश्किल, डिफिकल्ट यानी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में तुम्हें क्या चाहिए होता है नाउन चाहिए होता है, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद में नाउन चाहिए, तो नाउन कैसे बना सकते हो टू प्लस वी वन करके यानी इन्फिनेटिव करके, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया पूरा। स्टार गौरव रहमान, वन सेकंड बेटा, बिल्कुल प्रॉपर है मेरे साइड से, हर एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आप प्लीज अपनी नेट की कनेक्टिविटी को चेक कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, फटाफट बताओ मुझे। चलो बहुत अच्छी बात है। ओके नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाँ जी, आई सीन दैट इट इज गेटिंग डार्क, इसका क्या करोगे, सभी लोग सोचो समझो और बनाओ। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा देखो गाइज, यहाँ पे आई सी होगा, सीन लगाना यहाँ पे गलत है इस टाइम पे, ठीक है। तो सी सी सॉ सीन होता है ना, अपने को इधर क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी आई के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सी होता है, ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है जो कि गलत है। तो आई सी दैट, मैं देख पा रहा हूँ कि इट इज गेटिंग डार्क, ये अंधेरा हो रहा है, राइट। तो बस इतना कर देना था, नंबर आपको मिल जाते चैंपियंस, राइट। तो फटाफट क्या करना है, आप लोगों को एक एक थंब इम्प्रेशन देते रहना है जिससे कि पता चल पाए कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। आ जाओ, हाँ उसको करते हैं। यस, एसएससी सीपीओ का स्पॉटिंग ऑफ एरर का प्रॉब्लम है 1 जुलाई का, चलो लगा दो फटाफट बना दो सभी लोग। जी यस, चलो आ जाओ। नो सूनर, देखो गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो सूनर हैड शी अराइव दैट हर फ्रेंड्स अरेंज्ड अ रिसेप्शन इन हर ऑनर इन द बेस्ट रिसॉर्ट इन द टाउन, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, नो सूनर हैड शी अराइव, है ना, इसके बाद में जो दैट लिखा हुआ है ना इसको प्लेस करके क्या कर दोगे, दैन कर दोगे। नो सूनर का अभी अभी पेयर पढ़ा है गाइस हम लोगों ने, नो सूनर का पेयर किससे जाता है, नो सूनर दैन, राइट। तो बस इतना लगा दो, नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके दिस इज स्टार नवोदयांश, बेटा स्टार, स्टार बेटा जो भी चीज है ना वो मैं बोल रही हूँ, देखो कुछ नहीं है, इसके रिसेप्शन लिखा है इन हर, रिसेप्शन इन हर, केवल इतना लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो पढ़ने वाले बच्चे बालक बालिका बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। मानसी, मानसी बेटा बफरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, पूरा एक्सप्लेनेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलता है, स्पॉटिंग ऑफ एरर प्लस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलता है। देख रहे हो, हार्डली स्केयर्सली नो सूनर, इन सबका जो पेयर है वो मैंने एक एक करके दे दिया है। हार्डली स्केयर्सली का पेयर वैन होता है, ठीक है, और नो सूनर का पेयर देन होता है,
ध्यान से देखो, नीचे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है. शीतल हैड नो सूनर सीन वन पिक्चर देन शी सॉ अनदर. है ना, पहले एक पिक्चर देख रही है, उसके बाद वो दूसरी पिक्चर देख रही है. सभी लोग, जितने लोग क्लास में बैठे हुए हो ना, एक बार फटाफट थंब इम्प्रेशन, जिन जिन को क्लास अच्छी लग रही है, आप सभी को क्या करना है ना गाइस, एक बार थंब इम्प्रेशन दे देना है, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि हाँ जी, आप सभी लोग क्लास को कितना इंजॉय कर रहे हो. राइट चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, फटाफट लगाओ. यस चलो आओ गाइस. बाकी गाइस, आई होप आप लोगों को आज का जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें बहुत मजा आई है. राइट, मैंने आप लोगों को बहुत से स्पॉटिंग ऑफ एरर करवाए है ना. अब हमारा रात का जो 10 बजे वाला फ्री क्लास है ना, उसमें बैठो. अनअकैडमी प्लस पे फ्री क्लास होती है, उसमें तुम्हें बहुत कुछ सीखने को करने को मिलेगा. और एक बात बता दूं गाइस, आज के टाइम पे अनअकैडमी पे द बेस्ट एजुकेटर पढ़ा रहे हैं. ठीक है, जो आपके नॉलेज में होगा, जैसे वाईफाई के सारे टीचर हैं, ठीक है, प्रतियोगिता मंत्रा के सारे टीचर हैं. ऑफलाइन में गाइस, आज के टाइम पे इतने सारे टीचर, इतने अच्छे अच्छे टीचर तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो केवल एक काम करिए, प्राइस हाइक से पहले पहले क्या करो ना, अपना अपना बढ़िया तरीके से सब्सक्रिप्शन डन करो. कोड है, दिस इज MAXLIVE. ठीक है, 24x7 आपको पढ़ने को मिलता है, मेहनत करने को मिलता है, और SSC जैसे एग्जामिनेशन को क्लियर करने में. आपने देखा है मेरी क्लासेस से लगातार बच्चों के रिजल्ट जाते हैं. बेटा रात के 10 बजे वाला शो, पता है अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है ना, उसमें इतना बढ़िया तरीके से इंटरफेस है. वहां पे पोल होता है, पता है, पोल में स्क्रीन पे तुम्हें ऑप्शन आते हैं, उन्हें टिक करना होता है. तो बढ़िया से पोल वाले सेक्शन को अगर तुम्हें करना है ना, तो रात के 10 बजे बैठो भी, है ना. इसके अलावा 1 बजे वाला मेरा सेशन होता है, इन दोनों फ्री क्लासेस में बैठो. इसके अलावा तुम्हें कोई भी अपडेट चाहिए, कुछ पूछना चाहते हो, है ना, कुछ कंफर्म करना है आपको, तो ये देखो गाइस, टेलीग्राम की लिंक है t.me/shambhavipandey5. shambhavipandey5, राइट, शाम्भवी पांडे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे सर्च कर लेना, सब मिल जाएगा. शाम्भवी SHAMBHAVI, है ना, पांडे की PANDEY और 5, ये लगाना है. ठीक है, तो बस t.me/shambhavipandey5 लगा लो, सर्च कर लो, आराम से बैठो, मेहनत करो. राइट मैम, क्लास में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं, थैंक यू सो मच मैम. बहुत बढ़िया भाई रहमान जी, थैंक यू सो मच फॉर बिस्टोइंग दिस मच ऑफ लव एंड अफेक्शन. चलो, किन किन को क्लास अच्छी लगी, फटाफट बताओ, आप में से किस किस बालक को, किस किस बालिका को क्लास अच्छी लगी है, फटाफट बताओ. ऑल राइट चलो, बहुत अच्छी बात है भाई. हाँ जी, ओके, सो मैं देख रही हूँ बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, है ना, तो कई सारी चीजें हम लोगों ने डील की हैं. बाकी अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो उसमें करेंगे कुछ और धमाल, कुछ करेंगे प्रश्नों पर और बात, चर्चा पर चर्चा. राइट, शगुन साहित 101 लाइक हो चुके हैं. ठीक है, तो अब मिलते हैं गाइस रात के 10 बजे वाले सेशन में. तब तक आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखो. ठीक है, हाँ जी, अनीश कह रहे हैं एवर बेस्ट मैम, आई लव यू मैम. मैम टाइमिंग क्या है, अनीश, अनीश अभी जो नेक्स्ट क्लास है ना, अब रात के 10 बजे होगी. ठीक है, हाँ, और मेरी डेली 1 बजे और रात के 10 बजे ना फ्री क्लासेस होती हैं. अनअकैडमी प्लस पे मैं मॉर्निंग में 10 AM मिलती हूँ, कल से यहाँ पे 8 बजे मिलना. ठीक है, कल से सब लोग 8 PM यहाँ पे अटेंटिव रहना, मैं 8 बजे आपको क्लास कराऊंगी. ठीक है, क्लियर है, चलो आप तो मिलते हैं फिर गाइज नेक्स्ट क्लास में. तब तक आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखो गाइज, डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट. राइट चलो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा, है ना. वो मैं देखती हूँ, जैसे निशी जी हैं, है ना, हाँ जी, दिस इज के, और बच्ची शिखा है ना, इसके अलावा बहुत से रेगुलर बच्चे हैं जो लगातार मेहनत करते हैं.